तो ये भी ऑर्डर पिकअप कर लिए हैं और लेके जा रहे हैं। और इधर ही अपनी बुग्गी खड़ी है। तो भाई कैसे हो? इधर मेरे डिलोरो का एक बंदा मिला है और उससे चलो बात करते हैं, कैसा है, क्या कितना सैलरी पे है, क्या है, कौन सी गाड़ी मिले, तो चलो दिखाते हैं। ये है विपिन भाई। भाई फंसा रहा है मेरे को। क्यों फंसाएगा? मुझे ये बात करना है कि तुम्हारा सैलरी क्या है, कितना पैसा खर्चा करके रूम है। बेइज्जती कर रहे हो क्या? क्यों बेइज्जती करेगा? यूट्यूब में डालोगे? भाई देखो, कुवैत में सब काम में आओ, डिलीवरी में टाइम नहीं है, दूसरे के लिए खाना लेके भागो, चलो भागो। नहीं नहीं, मजाक मत कर, सीरियस में बता कितना सैलरी है, क्या है। वही है भाई, देखे आओ 2-2.5 लाख, इधर आके मिलता है 140, खाना अपना, बचेगा कितना? बचेगा की गाड़ी ये है, कौन सी गाड़ी? मर्सिडीज। BMW फरारी। तो भाई अभी मैं इधर हरदिया के मैकडोनल्ड पे यहाँ पे हम दिखा रहे थे, ये सब काम किसमें अच्छा है, कार में काम, कार में काम करना अच्छा है या बाइक में काम करना अच्छा है, ये बहुत सारे लोगों का जवाब सवाल रहता है भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, कार में काम करना ना सबसे बेटर है, क्योंकि बाइक में अभी बहुत रिस्क है, बाइक में अलाउड नहीं है कि हम रोड हाईवे से निकल सकते हैं, और अगर तुम्हारा ऑर्डर आ गया कहीं 2-4 किलोमीटर पे तो वहाँ पे जाने का मुश्किल है। तो भाई तो बाइक में बहुत पकड़ है भाई, कार में सेफ्टी रहोगे तो, ज़्यादातर लोग अभी कार में कर रहे हैं और बाइक में बहुत कम, क्योंकि बाइक में रिस्क बहुत ज़्यादा, ऑर्डर तो नज़दीक में आता पर रिस्क बहुत ज़्यादा भाई। और जो यहाँ पे ये जो बैठा ना भाई, जैसा किसी का आईडी दूसरे आईडी पे काम कर रहा है, दूसरे का वो है, तो ये पकड़ के फ़ोटो खींच के भेज देगा तो 2-3 दिन आईडी सस्पेंड हो जाती है 24 घंटे के लिए। तो फिलहाल मैं अभी इधर ही हूँ। तो यार अगर कोई पहचान वाला यहाँ पे होता तो उससे बात करता कि भाई कैसे लग रहा है इधर गाड़ी में। और फिलहाल अभी मैं मैकडोनल्ड पे इधर में बैठा हूँ, क्योंकि पहले ये जो कंपनी दिख रही, ये जो सब दिख रहे, पहले इसमें मैं काम करता था, डिलोरा। तो कसम से ऑर्डर का इतना बुरा हाल है ना कि ऑर्डर नहीं आ रहा भाई, और गाड़ी में तो तेल भी नहीं है। अब चल रहे हैं पेट्रोल पंप पे, 2 दिनार का रोड पर डे लग रहा है, चाहे ऑर्डर रहे चाहे ना रहे भाई। तो अभी मैं चल रहा हूँ, तेल भराएंगे गाड़ी में अपने, उसके बाद में। और एक बात और भाई, जितने हमारे सब्सक्राइबर इधर आ गए कुवैत में ना, प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें भाई, हम आप लोग से एक एक वीडियो बनाएंगे और पूछेंगे कैसा आ रहा सफ़र, क्या है। तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करें, हाँ मुझे मैसेज करें भाई, कोई भी रहे, जितने बंदे हमारे वीडियो देख के आए तो यहाँ पे पहुँच गए हैं तो मैसेज करें, किधर कौन से एरिया में, तो आके एक एक वीडियो बनाते भाई। तो ये है पेट्रोल पंप भाई, एक साथ में 7-8 गाड़ी का पेट्रोल भर जाता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है किसी कोई भी तरफ लगा दे, जो तरफ तुम्हारे गाड़ी का ढक्कन है वो तरफ आप लगा सकते हो। तो मेरा राइट लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे। देखो आज काम के वजह, काम वाम नहीं है तो भाई 1.5 KD का डलवा लेते हैं। 1.5 KD मतलब 16-17 लीटर आएगा, तो 1.5 KD का डलवा लेते हैं। और ऐसी ऐसी गाड़ी यहाँ पे देख रहे, कितनी गाड़ी है। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो 1 KD का तेल भरा रहा हूँ, कितना आ रहा है देखो, 1 KD हाफ का, तो अभी देखो 1 KD हो गया, और 1 KD हाफ में कितना लीटर आता तेल, और यहाँ पे देखो कितना पैसा लीटर तेल है, इधर लिखा है देखो 85 पैसा लीटर है, देख रहे 17 लीटर हो गया, 18 लीटर हो जाए लगता है 17 लीटर। तो अपने इंडिया का भाई 410 रुपये में मैं 17 लीटर हाफ
तेल डलवा लिया 410 रुपये में। अपने इंडिया में अगर ये तेल अगर लेने जाओ तो 1700 हो जाएगा, 1700 नहीं 1500 पर लीटर पे 80 रुपीज़। पता नहीं इंडिया में क्या रेट चल रहा है, पता नहीं 80 रुपये है 82 रुपये है। और ऐसा टपरी पे लेने जाओ तो 100 रुपये मिलता है भाई। तो आप लोग भाई बोल रहे हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनी अभी जो फेमस है और आप लोग हमें नहीं बताते। तो ये बंदा जायज में कर रहा है, ये ऐसा वाला जायज का है और सब गाड़ियों में कार देता भाई, ऐसा कोई गाड़ी नहीं। आप कैरी का चलो दिखाते हैं, अभी तो मेरा इससे ऑर्डर आया है और वहाँ पे चलते हैं। और ये जो बाइक में कर रहे हैं ये देखो, ये कैरी वाला है, मेरा यहाँ से ऑर्डर आया है, ऐसा कुछ नज़ारा है। तो चलो वहाँ पे नंबर बोलेंगे। और रोड पे जो गाड़ी चलाओ तो पता नहीं चलता भाई, और ये रोड पे देख रहे कैसे गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो भाई 6 बजे के बाद ऑर्डर आने लगा है, तो अभी फीडबैक दे देते हैं भाई, क्या पता ऑर्डर बढ़ जाए। तो अभी ऑर्डर आने लगा, तो अभी हमारा ऑर्डर यहाँ से है ब्रोटन से, और हम चलते हैं यहाँ से आए। यहाँ का लोकेशन बहुत मस्त है भाई, और यहीं से पिकअप करेंगे शाम के टाइम में, इतना मस्त लगेगा। तो ऑर्डर लेने से पहले यहाँ पे राइट करना पड़ेगा अपना नाम नंबर या ऑर्डर नंबर। तो यहाँ ऑर्डर नंबर मेरा है 45 लिखना पड़ेगा। तो भाई ऑर्डर पिकअप करने के बाद में ना, ये देखो बहुत नज़दीक का ऑर्डर आ रहा है, और देखते हैं ऑर्डर पिकअप करने के बाद में सीधा कस्टमर के घर पे लोकेशन लेके जाता है। ये नहीं कि तुम्हें मालूमात नहीं है, नहीं जा पाएंगे भाई, तो सिर्फ लोकेशन पे चलना रहता है। तो भाई मैं आज चाय बना के घर से लाया हूँ, यहाँ का चाय पियो ना भाई, यहाँ का चाय पियो, पता नहीं कैसा चाय रहता है यहाँ का। तो आज अपने हाथों से चाय बना के लाए, यहाँ की चाय अच्छी नहीं रहती है भाई। 100 पैसे का दूध लो और मस्त चाय बना के पियो गांव जैसा। यहाँ का चाय डब्बे का दूध डाल के बनाते यार अच्छा नहीं रहता। तो चलो अभी कस्टमर के घर पे चलते हैं भाई, लगता है। तो सुबह से 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑर्डर नहीं था, 2 ऑर्डर मारा था। तो अभी तक मैं दिखा देता हूँ भाई कितना ऑर्डर हो गया। ये भाई ये मैं 8वां ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, और ये एक लेके जाएगा 9 ऑर्डर हो जाएगा। तो लगता है 10-11 ऑर्डर हो जाएगा। अगर सुबह में ऑर्डर रहता ना तो 15-20 हो जाता भाई। नहीं यार ऑर्डर क्या करेंगे यार, जितना मिलेगा उतना शुक्र है। तो भाई फिर एक ऑर्डर आ गया, यहाँ से कोई आया है, अभी इसको चेक करेंगे कौन सा ऑर्डर आया किसका, और ये होटल से आया कि इधर से आया कुछ, ये छोटा सा जमैया है। तो भाई घूमते रहो, कहीं भी से ऑर्डर आ जाता है, ऐसा नहीं कि हम जाएंगे कोई होटल पे रहेंगे तो वहीं से ऑर्डर आएगा। ऐसा अंडरग्राउंड मतलब एक जैसा एक एरिया रहता है, जैसा अपना गाँव है, गाँव के बीच में मार्केट बना रहता है, तो वहाँ से भी ऑर्डर आ सकता है। तो यहाँ से मेरा ऑर्डर आया, अभी इसका ऑर्डर आया किसका ऑर्डर आया, तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो भाई ये अरबी में लिखा है तो इसका है। तो यहाँ से 3 मिनट बाद हम इसको ऑर्डर का पिकअप करेंगे। तो ये मैं ये बात बताऊँ, ये फीडबैक मारने से थोड़ा अच्छा रहता है। वो कंपनी बोलता है कि
जब कुछ भी रहे तो इसको फीडबैक दे दे, तो ये लिखा दे थैंक्स यू फॉर फीडबैक, तो अच्छा है। तो 5 मिनट वेट करेंगे उसके बाद में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर देना भाई बस। तो ये भी ऑर्डर पिकअप कर लिए हैं और लेके जा रहे हैं, और इधर ही अपनी बुग्गी खड़ी है। अगर ऐसे 1 घंटे में 4-5 ऑर्डर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो ऑर्डर को पिकअप कर लिए, अब देखते हैं कौन से एरिया में जाना पड़ेगा। नज़दीक का रहेगा तो अच्छा है, लंबे का रहेगा तो भी चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। इधर देखो देर गए 6-7 किलोमीटर का रेंज में है, तो यहाँ से देख सकते हैं 3 किलोमीटर है भाई, 6 मिनट का रास्ता है।